डिस्काउंट वाले दिन शॉपिंग करने में मजा ही आ जाता है ना? मजे से ज्यादा मजा। इसी बात पे कुछ मजेदार टॉफीज ले लेता हूँ। गेम ऑन। अब कीको के साथ गेम ऑन करें और एक्साइटिंग पावर मोड गेन करें। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया सेम, तो डाउनलोड करें गेम Google Play पर उपलब्ध। आज तो मैं ढेर सारी चीज खरीदूंगा। टोनी बॉस ले रहे चीज है बहुत बड़े बदतमीज है। चिप्स पैकेट अपने आप कैसे चलने लगे? वन वर्ड में कहूँ तो मैजिक। हाँ से भी ज्यादा। हाँ अरे मेरा चीज, कौन है वो नाचीज जो मेरा चीज चुरा रहा है? रुकावट के लिए खेद है, टोनी बॉस के मुंह का कलर सफेद। टोनी का मुक्का यानी हुड़ हुड़ हुक्का। हाँ? उरी मुरी मदर, मेरे खाने की चीजें चली किधर? ये सब चीजें अपने आप कैसे मूव हो रही है? और सेवन भी ब्लिंक कर रही है, कुछ तो गड़बड़ है। जो बच्चा खूब मस्ती करे उसे नटखट कहते हैं और जो चोरी होने से पहले उसे रोक दे उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है। नोट पैड पे नोट कर लेता हूँ। ये फूड पैकेट्स तो इतनी स्पीड से मूव हो रहे हैं कि झटपट अंकल भी उन्हें नहीं पकड़ पा रहे। आखिर ये पैकेट्स मूव कैसे हो रहे हैं? मुझे तो लगता है कि चींटियों ने हमला किया है। कुछ खा लेता हूँ। पर खाऊं क्या? सब कुछ तो वो चींटियां ले गई। नहीं डोडो, ये चींटियां नहीं हो सकती, क्योंकि चींटियां ना तो इस तरह चोरी करती हैं और ना ही इतनी स्पीड में भाग सकती हैं। सही कहा ट्विंकल, चोरी चींटियां नहीं बल्कि ये मामल्स कर रहे हैं। उरी मुरी मदर, शायद इन्हें चला रहा है जादूगर। नहीं, जादू जैसा कुछ नहीं होता। ये जरूर रोबोटिक मार्बल्स हैं, जिन्हें दूर से कोई ऑपरेट कर रहा है और ये चोरियां करवा रहा है। आज मैं ऐसी बिरयानी बनाऊंगा कि तुम खा के पागल हो जाओगे। अयो ऐसा नको करना जी, हम पागल हो गया तो हमारे बच्चे लोग का टेक केयर कौन करेगा? नाम मेरा मतलब था कि मैं आज बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनाऊंगा। जस्ट वेट एंड ईट। हा
राइस डालने का टाइम आ गया है। कहाँ रखा राइस मैंने, कहाँ रखा है? ईश, ये पैकेट जल्दी कैसे लगा? यो, ये कंचे बोले तो बार बार चोरी करता जी। रुको, अब भी मजा चखाता इनको मैं। आ, आ, देखा, एक ही शॉट में चारों कोने चित। अब हम खा के बिरयानी बनेगा फिट। अम्मा, अयो, ईश, ये मार्बल तो मेरे घर का सारा खाना लेके जा रही है। अब मैं क्या खाऊंगा? मम्मी बचाओ। सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। सुपर स्पीडो, ये मार्बल सन सिटी का सारा खाना चुरा कर ले जा रहे हैं। इन्हें रोकना होगा। डोंट वरी कीको, हम किसी ना किसी तरीके से इन्हें जरूर रोक देंगे। चोर तक पहुंच सके। पर इन सबका पीछा कैसे करें? ये सारे फूड पैकेज तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक काम करो सुपर स्पीडो, तुम फॉर्मूला नंबर 44 लगाओ। ओके किको, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 44। मैग्निफाइंग पावर बढ़ाओ। यस ब्रो। नॉर्थ साइड में काफी दूर धूल उड़ती दिखाई दे रही है, शायद मार्बल्स वहीं भाग के जा रहे हैं। इतनी जल्दी इतनी दूर निकल गए? ये मार्बल्स काफी फास्ट है। चलो सुपर स्पीडो, हमें उनका पीछा करना है। जेट स्पीड। मार्बल्स को रोकने का एक ही तरीका है, फॉर्मूला नंबर 25। ग्रेट आइडिया किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 25। वाओ, ये आइडिया तो काम कर गया सुपर स्पीडो। अब हम बाकी के मार्बल्स के साथ भी यही करेंगे। ओह नो, ये मार्बल्स तो वापस आ गए काम तमाम करने। अब क्या करें किको? ये बबल्स मेरे एग्जॉस्ट पाइप से होते हुए मेरे इंजन तक घुस के वहां तोड़फोड़ मचा रहे हैं। मेरा इंजन भी बंद हो गया।
हमें खाई में फेंकने जा रहे हैं। कीको, तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ। नहीं, मैं मुसीबत के समय अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जा सकता। कीको, मेरा इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, रिपेयर करने में टाइम लगेगा। तो फॉर्मूला नंबर 38 लगाओ। फॉर्मूला 38 एक्टिवेट करने में मुश्किल है, डैमेज ज्यादा हुआ है, फिर भी ट्राई करता हूँ, शायद पैराशूट खुल जाए। सेफ्टी पिन को बाईपास करके ट्राई करो सुपर स्पीडो, काम बन जाएगा। वो मार्बल्स तो हमें चकमा देके निकल गए, अब समझ नहीं आता उन्हें ढूंढने कहाँ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कोई खाने की चोरी क्यों करवा रहा है। हयो कीको, हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि सन सिटी में अब खाने का एक दाना भी नहीं बचा जी, सब चोरी हो गया। हाँ कीको, मेरा खाली पेट तो कब से खाने की थाली मांग रहा है। एक बार मैंने ऐसे ही एक खाना चोर को पकड़ के इतना मारा था कि वो खाने की बजाय गाना चुराने लगा। सच्ची में अंकल? वाह, और नहीं तो क्या, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरे सिर पे चिपके खाली रैपर्स गिर जाए। मतलब पक्का झूठ बोला था? बोलना ही था तो भरे हुए पैकेट्स बोलते। खाने की थाली में चटनी से अचार ने दोस्ती करके सलाद को हरा दिया। मतलब? सर का मतलब है कि इन लेजर गन्स की वजह से हमारी सन सिटी की डिफेंस लाइन और मजबूत हो जाएंगी। क्या कभी आपने बिना खाए दिन गुजारे हैं? नहीं ना। पर अब गुजारने पड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी सन सिटी का सारा खाना अपने मार्बल्स के थ्रू चोरी करवा लिया है। तो आप लोग अगर भूखे पेट नहीं सोना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे फोन करें और मैं दूंगा होम डिलीवरी, बदले में आप देंगे मुझे मेरे मुंह मांगे पैसे। भगवान के नाम पे कुछ खाने को खरीद ले रे बाबा। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करें और अपना अपना खाना घर मंगवाएं। कनू कंचे वाला कहते हैं मुझे, कंचे से देता चोट और खूब बटोरता नोट। बिस्किट पैकेट के 1000 रुपए, चिप्स के 800 और आटा चावल के 2000 रुपए। हमारी ही चीजों को हमसे ही चुरा कर फिर हमें ही उन्हें महंगे दामों में बेच देने को दो वर्ड में कहते हैं वेरी रॉन्ग। वेरी से भी ज्यादा वेरी रॉन्ग। कुछ खा लेता हूँ। हाँ, पर खाऊं क्या, खाने को तो कुछ भी नहीं है। डोंट वरी कीको, सुपर स्पीडो के रहते रॉन्ग कभी राइट से नहीं जीत सकता, क्यों कीको? राइट सुपर स्पीडो, मगर हम कन्नू को ढूंढेंगे कहाँ? आइडिया, एक काम करते हैं, कुछ खाने को मंगाते हैं। खाना, एक काम करो कीको, बिस्किट और चिप्स मंगा लो। चुपचाप उन मार्बल्स का पीछा करना है ताकि हम कन्नू तक पहुंच सके, क्योंकि सन सिटी का सारा खाना उसी के पास है। अभी तो पूरा खजाना बेचना बाकी है। ये दोनों मेहमान कौन है? जाके इनकी खातिरदारी अभी करता हूँ। कंचे से देता चोट और खूब बटोरता नोट। हाँ,
रास्ता भूल गए क्या? चलो निकलो, यहाँ लॉलीपॉप नहीं मिलता। मिस्टर कन्नू, मेरा नाम किको है और मैं यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप प्लीज सनसिटी से चुराया हुआ सारा खाना वापस कर दीजिए, क्योंकि चोरी करना रॉन्ग है। इतने मेहनत से चुराया हुआ माल कहते हो वापस कर दूं? ठीक है, वापस कर देता हूँ। अच्छा हुआ मान गया, मेरी मिसाइल्स बच गई, वरना अभी मैं इसे उड़ाने वाला था। लेकिन बदले में तुम मुझे 10 करोड़ रुपए दे दो और अपनी सनसिटी का खाना वापस ले जाओ। बोलो क्या ख्याल है? मुझे लगता है एक मिसाइल वेस्ट करनी ही पड़ेगी। कन्नू कंचे वाला पे तुमने मिसाइल फायर कर डाला, तुम्हें पड़ेगा ये बहुत भारी, क्योंकि आई अब मेरी बारी। सुपर स्पीडो, फॉर्मूला नंबर 345 लगाओ और साथ में साइलेंसर पे मेटालिक नेट, ओके? एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 345। आई जस्ट लव दिस फॉर्मूला। मेटालिक नेट भी लगा दी। लगता है इनको मार्बल्स का पकौड़ा नहीं बल्कि मार्बल्स का हथौड़ा खिलाना पड़ेगा। कंचे से देता चोर और खूब बटोरता नो। सुपर स्पीडो, तुम इन मार्बल्स को संभालो, तब तक मैं उस कन्नू से निपटता हूँ। ओके बड़ी। क्योंकि लड़ने के लिए जगह पे टिकना जरूरी है और मैं तुम्हें टिकने नहीं दूंगा, ना ही इस छत पे और ना ही मेरे सामने। कंचे से देता चोट और खूब बटोरता नोट। तुमने सही कहा कन्नू, लड़ने के लिए टिकना जरूरी है, लेकिन अब मैं तुमसे लड़ूंगा और वो भी बिना एक जगह टिके। उन फूड पैकेट को वापस कर दो। अब तुम्हें फूड पैकेट्स नहीं बल्कि मिलेगी मेरे कच्चे की कैद। मेरे इन कंचों की पकड़ धीरे धीरे मजबूत होती जाएगी और धीरे धीरे तुम्हारी हड्डी और पसली एक होती जाएगी। कंचे से देता चोट और खूब बटोरता नोट। इन मार्बल्स की पकड़ तो बहुत ज्यादा मजबूत है, अगर कुछ जल्दी नहीं किया तो इसकी पकड़ सच में मेरी हड्डी पसली एक कर देगी। अरे कन्नू ने कीको को पकड़ लिया है, मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारी वो खटारा कार तो गई, चलो तुम भी 9-2-11 हो जाओ। कंचे से देता चोट और खूब बटोरता नोट। इनिशिएटिंग फॉर्मूला 888। अपने वैक्यूम पंप से अभी इन्हें खींच के तुमसे अलग करता हूँ। सुपर स्पीडो, कन्नू अपनी मार्बल्स को अपने कंधे पर लगे कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर रहा है। हमें कन्नू को अटैक करने का अगला मौका नहीं देना है, तो जल्दी फॉर्मूला नंबर 654 लगाओ। गुड आइडिया किको, अप्लाइंग फॉर्मूला 654। Thank you.
लगता है मेरी ओके का टाइम आ ही गया है। मेरा रिमोट कंट्रोल, अब मैं अपने कंचों को कैसे कंट्रोल करूंगा? कंचे के बच्चों ने गिली को डंडे से अलग थलग करके हॉकी खेलना शुरू कर दिया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट, अब जेल में चल के कंचे खेलना कंचे।